Alright children, so after studying about the autotrophic mode of nutrition in the green plants, there are many plants in this world which cannot synthesize their own food. They are heterotrophic nutrition. So they show heterotrophic mode of nutrition. There are main four types of heterotrophic nutrition: parasitic, saprophytic, insectivorous and symbiotic. We'll start with the parasitic. During 16th and 17th century, a lot of work was done in Europe and especially in Greece. So mostly the origin of these words are Greek, right? So para is aapke, when you are depending on someone, so that is parasitic mode of nutrition. Here the living thing does not prepare its food, it cannot even digest its food, it just absorbs the digested food. For example, आपने येलो कलर के रिबन लाइक प्लांट्स देखे होंगे जो कि ग्रीन ट्रीज को पूरा ऊपर से कवर कर लेता है, और उनका हिंदी में भी नाम सुना होगा अमरबेल, और बेसिकली इन इंग्लिश दे आर नोन एज कुस्कुटा. ठीक है, सो कुस्कुटा और अमरबेल क्या होती है, ये ग्रीन प्लांट्स पे ग्रो करती है, उनके स्टेम के ऊपर ही ये ग्रो करती है जो भी डाइजेस्टेड फूड है फ्लोएम में. ये दे मेक, सपोज दिस इज अमरबेल, इट विल मेक एन हॉस्टोरिया एंड इट विल सक द फूड फ्रॉम दिस. सो इन द लॉन्ग रन व्हाट हैपेंस, द ग्रीन प्लांट एक्चुअली डाइज. है ना, अगर बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा ब्राउन कलर का नेटवर्क पूरा येलोइश ब्राउन हो जाता है जब वो ड्राई हो जाता है, और पूरे ग्रीन प्लांट भी ड्राई हो जाता है, बिकॉज दिस इज अ पैरासाइट, दिस इज नोन एज पैरासाइट, एंड पैरासाइट हैज एक्चुअली टेकन ऑल द फूड फ्रॉम द होस्ट. जिस भी प्लांट पे वो ग्रो करता है, जिसके फूड वो लेता है, जिससे उसको बोलते हैं होस्ट, और इस प्लांट को बोलते हैं पैरासाइट. ब्यूटिफुल एग्जाम्पल इज कुस्कुटा. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एनिमल वर्ल्ड में भी देर आर पैरासाइट्स लाइक लाइस, जुए, दीमक, टर्माइट्स, है ना. तो लाइस क्या होती है, बच्चों के सर में होती है, और स्कैल्प से इट एब्जॉर्ब्स दी ब्लड, इट गेट्स दी डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दी ब्लड. सो इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन इट हार्म्स. दे आर एक्सटर्नल पैरासाइट्स. इंटरनल पैरासाइट्स भी होते हैं, आपने सुना होगा बच्चों के पेट में कीड़े हैं तो वो इंटेस्टाइन्स में होते हैं, एंड दे जस्ट एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड. सो इन द लॉन्ग रन दे हार्म द होस्ट. दीज आर द पैरासिटिक, और दिस इज द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड दीज आर द पैरासाइट. वेरी नाइस एग्जाम्पल इज कुस्कुटा और अमरबेल. नेक्स्ट इज सैप्रोफिटिक और सैप्रोफाइट्स, राइट. ये होते हैं, आपने देखा होगा मशरूम्स, बारिश में, ऐसे भी बारिश के मौसम में वुडन लॉग्स पे, वेट टी ट्रंक्स पे आपको मिलते होंगे ये. उसके अलावा मशरूम आपको खाना भी पसंद है. इसके अलावा आपने देखा होगा अगर आपका फूड टिफिन में दो दिन भी छूट गया, तो आपका हाफ ईटन फूड था, टिफिन था, एंड यू फॉरगॉट इट ऑन द वीकेंड इन योर बैग, देन यू ओपन्ड इट, when you opened it there was smell as well as something blackish whitish fibrous structure there, you know, on the paratha or whatever food is there, pickles mein bhi ye hota hai. To ye sare hote kya hai, ye fungus hote hai, aur fungal spores environment mein rehte hain. Jaise hi unko a suitable environment milta hai they germinate. तो बारिश के मौसम में क्योंकि नमी होती है और थोड़ी वार्मथ भी होती है एटमॉस्फेयर में, दैट इज़ द मोस्ट सुटेबल पीरियड फॉर देम टू जर्मिनेट. सो दीज आर दी सैप्रोफाइट्स. सैप्रो मीन्स डेड और रॉटनिंग. सो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड और डिकेइंग मैटर दे आर नोन एज सैप्रोट्रॉफ्स. फंगस और प्लूरल इज फंजाई. It is the example mushroom. Some of them are harmful. Saprophytes belt वगैरह पे, leather की belt, जो भी organic substance है उसके ऊपर में ये जम जाते हैं. They basically spoil the food.
But some of these saprotrophs are useful also for us. For example, yeast. Yeast is very much used in the baking industry, है ना, आपके pizza में, bread में, cake में, everywhere yeast is used. So some of these saprotrophs are harmful to us. They cause many diseases, not only in humans or animals, they also cause diseases in the plants also. So they are harmful, and some of these saprotrophs are useful, like yeast हो गया, penicillium हो गया, जो कि बहुत important medicine बनाने के काम आता है. So this is the saprophytic world of plants for you. Next is insectivorous. Very interesting insectivorous. Insectivorous plants are the plants which eat the insects. है ना? For example, pitcher plant हो गया, Drosera हो गया. Pitcher plant का scientific name is Nepenthes. है ना? So ये क्या करते हैं? Pitcher plant is a green plant. But इनकी leaves जो होती हैं, वो leaves ही actually they make a pitcher kind of structure with a lid over it. ठीक है? This is a pitcher kind of structure and the leaf. So whenever an insect comes and sits here, this lid it closes. The insect moves inside the pitcher. The inner lining is full of hair and the insect gets trapped into this hair. Alright. Now once the insect dies, this inner lining, it secretes digestive juices on it and insect is digested. Now the question arises that the insectivorous plants are green in color. They have chlorophyll. Then why do they need to eat insects? So the reason is that insects are actually very much rich in the nitrogen. है ना, आपने देखा होगा चाइनीज वगैरह बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स खाते हैं, तो ऑफकोर्स इंसेक्ट्स आर वेरी रिच इन प्रोटीन, तो उनके बाल, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्रो करती है. इवन नॉर्थ ईस्टर्न्स दे ऑल्सो ईट लॉट ऑफ इंसेक्ट्स. सो इट्स बिकॉज इंसेक्ट्स कंटेन लॉट ऑफ नाइट्रोजन. एंड वॉट हैपन्स, दीज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स दे ग्रो इन अ सॉइल विच लैक्स नाइट्रोजन. तो जिस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है, वहाँ पर ये प्लांट्स ऐसा डेवलप कर लेते हैं हैबिट, एंड वी कॉल देम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. राइट, फॉर एग्जांपल ड्रोसेरा, निपेंथीस, और निपेंथीस का ही कॉमन नेम है पिचर प्लांट, है ना, बिकॉज लीफ हैज टेकन द शेप ऑफ अ पिचर. तो अब आपको समझ में आ गया कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहाँ मिलेंगे, वैसी सॉइल में जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी है. ना नाइट्रोजन वैसे तो 78% अवेलेबल है ना इन द एटमोस्फियर, द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज 78%. देन व्हाई प्लांट्स आर नॉट एबल टू यूज इट, बिकॉज प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन एज इट इज, दे कैन ओनली एब्जॉर्ब इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स. ठीक है, तो अब बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक काइंड ऑफ एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आ रहा है, सिम्बायोटिक या सिम्बायोसिस. सिम मतलब टुगेदर, बायोसिस टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर बेनिफिटिंग ईच अदर. एक दूसरे को जब वो म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं, वी गेट अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है लाइकेन, आपने सुना होगा लाइकेन का नाम, कुछ मसालों में भी ये यूज होता है. और लाइकेन होता क्या है, एक एल्गी और एक फंगस, व्हेन दे लिव टुगेदर बेनिफिटिंग ईच अदर दे मेक अ लाइकेन. अनदर वेरी एग्जांपल, इम्पोर्टेंट एग्जांपल इज राइजोबियम. नाउ व्हाट हैपेंस कि सपोज हमारी एक सीरियल क्रॉप लगी, ठीक है, और उससे क्या हुआ, जितना भी नाइट्रोजनस सब्सटेंस था वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो गया. नाउ द सॉइल इज लैकिंग नाइट्रोजन. तो जो नेक्स्ट क्रॉप फार्मर्स लगाते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की लगाते हैं, लाइक पी, लाइक पल्सेस, है ना. ये बहुत ज़्यादा रिच होते हैं प्रोटीन में,
तो ये कैसे रिच होते हैं प्रोटीन में? आपको पता है कि प्रोटीन का चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट इज नाइट्रोजन, है ना? प्रोटीन किससे बनती है? नाइट्रोजन से। इसीलिए आपने देखा होगा फार्मर्स जो हैं खेतों में नाइट्रोजन वाली मैन्योर भी डालते हैं, है ना, फर्टिलाइजर्स, सॉरी, दे पुट द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड, राइट? सो अगर हम नेचुरली, हमें कोई तरीके से अगर नाइट्रोजन मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स, दे आर हार्मफुल फॉर द फील्ड एंड फॉर अस ऑल्सो, राइट? तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती है ना, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में ऐसे नोड्यूल्स होते हैं, माला की तरह, मोती जैसे होते हैं, रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं। इस नोड्यूल में क्या होता है? इस नोड्यूल में पाया जाता है राइजोबियम। राइजोबियम, इट इज अ बैक्टीरिया which is found in the root nodules of the leguminous, in the root nodules of the leguminous plants like pea, like pulses. इसीलिए बिकॉज यू पीपल आर ग्रोइंग अप यू आर टोल्ड टू ईट लॉट ऑफ दाल, बिकॉज दाल इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है? तो यहाँ पर भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चल रही है, किसके बीच में? राइजोबियम द बैक्टीरिया एंड दिस प्लांट। कैसे? इस बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह किसने दी? लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स ने। So what is happening? How is this mutually? They are mutually benefiting each other. This leguminous plant is actually providing space for this bacteria rhizobium to live into it. And in return, what is rhizobium doing? Rhizobium is providing nitrogen-rich food to the leguminous plant in the soil. So what is happening? They are mutually benefiting each other, but it does not end here. The rhizobium makes so much of nitrogenous substances that it remains in the soil. So the soil is actually enriched, right? So what do farmers do? They alternate the crop, like one cereal crop, another leguminous crop, then again cereal crop. क्योंकि लेग्यूमिनस क्रॉप जब बीच में आई तो उसने नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस उस सॉइल में एनरिच कर दिए, तो फार्मर्स को अगली क्रॉप के लिए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज हाउ राइजोबियम नेचुरली एनरिचेस द सॉइल। सो दिस इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विच एक्चुअली विन विन कंडीशन, दे म्यूचुअली बेनिफिट ईच अदर। पैरासिटिक में था, वन वॉज बेनिफिटिंग, अदर वॉज गेटिंग हार्म, है ना, होस्ट वॉज गेटिंग ऑल दी हार्म। सैप्रोफाइट्स बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स, दे एक्चुअली क्लीन दी एटमोसफियर, है ना, बिकॉज वॉट एवर इज रॉटनिंग दे कन्वर्टेड इन टू सिंपलर फॉर्म्स, सो दे एक्चुअली हेल्प। एंड इंसेक्टिवोरस, वेर एवर द सॉइल इज लैकिंग नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज, द प्लांट्स गेट कन्वर्टेड इन टू insectivorous plants so that they can fulfill their nitrogen need. So children, this is all about the heterotrophic nutrition in plants. This is all about this chapter, and in my next video I'll be starting with the nutrition in animals. A very big chapter, little complicated, but definitely I'll make it easy for you. Thank you so much. God bless.